आपके साथ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बदलापुर की घटना को लेकर महाविकास अघाड़ी की तरफ से 24 अगस्त को बुलाए गए बंद पर रोक लगा दी। जस्टिस जी के उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया। बेंच ने कहा 24 अगस्त के अलावा आगे भी किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को बंद बुलाने या करने की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बेंच ने 2004 में बॉम्बे हाईकोर्ट के दिए गए फैसले का हवाला दिया। बेंच ने कहा बंद पूरी तरह से गैर कानूनी है, किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसके लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार होंगे, उन्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी। कोर्ट के फैसले के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का वक्त नहीं है, ऐसे में कोर्ट का आदर करते हुए मैं सभी लोगों से बंद वापस लेने की अपील करता हूं। पवार के अलावा उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने बंद का समर्थन किया था। घटना 12 और 13 अगस्त की है। आदर्श स्कूल में 23 साल के स्वीपर अक्षय शिंदे ने दोनों बच्चियों का यौन शोषण किया। इसके बाद दोनों लड़कियां स्कूल जाने से डर रही थी। माता पिता को संदेह हुआ, उन्होंने लड़की को भरोसे में लेकर पूछताछ की तो बात सामने आई। एक पेरेंट ने उसी कक्षा की दूसरी लड़की के माता पिता से संपर्क किया। जब डॉक्टर ने जांच की तो असल घटना सामने आई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शुभदा चितोल ने पॉक्सो का मामला होने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल की। बच्ची के माता पिता ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से बदलापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। दो दिन बाद 16 अगस्त शुक्रवार देर रात केस दर्ज किया। 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अक्षय 1 अगस्त को ही स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुआ था। बच्चियों के परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 12 घंटे से ज्यादा वक्त लगाया था। पहले तो पुलिस शिकायत भी नहीं सुन रही थी। इसी के साथ बने रहे।